तारीफ करवाने का फैसला किया है। एक बहुत बड़ी बात है जो कि अमेरिका सुपर पावर इंडियन ऐप्स को यूज़ कर रहा है, इससे पहले UPI का तो को भी उन्होंने मुतारिफ करवाया अपने मुल्क में। आई है कू के नाम से, जिसे कहा यह जा रहा है कि ट्विटर की तरह की ऐप है और शायद आने वाले कुछ टाइम में ट्विटर को कम्पीट भी कर सके। अगर हम कंपेरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो IT के हवाले से इस वक्त इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया पहले ही इतना आगे है, हम शायद कम्पीट कर ही नहीं पाते उन्हें। जितना हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं वो उतना और आगे निकलता है, क्योंकि हमसे पहले इतना आगे हैं। आज भी इंडिया का कू ऐप, बेसिकली कू ऐप जो कि इंडिया का है, एक माइक्रो व्लॉगिंग ऐप है, दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, ट्विटर के बाद रिलायबल ऐप समझा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर इंडियन ऐप्स को प्रेफर कर रही है, इंडियन टेक्नोलॉजीज को प्रेफर कर रही है। बताएं क्या कम्पीट कर पाएगी, और दूसरे नंबर पे क्या वजह है कि IT में दिन ब दिन इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अपनी ऐप्स बना रहे हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर कंपटीशन की बात की जाए तो मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल है, क्योंकि ट्विटर एक ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड है और ये अभी न्यू मार्केट में है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपीट कर जाए, लेकिन अभी के लिए ये जरा मुश्किल हो। उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, उन्होंने लिया, वो तो इंडिया आपको पता है वो अभी से थोड़ी ले रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आगे होने की वजह ये है कि उनका जो बच्चा बच्चा होता है ना, वो मतलब छोटे से लेवल पे इस चीज के अंदर आ जाता है, टेक्नोलॉजी के अंदर वो पहले से ही आ गया होता है, बजाय ये कि वो बड़े लेवल पे। क्या वजह, क्यों वो छोटा सा बच्चा उनका टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे? उन्होंने माहौल इस तरह क्रिएट किया, जैसे कि अभी बात किया आपने कि CEO मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के वो इंडिया से, तो उनका इनिशिएट, उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो ये नहीं होता कि हमने अपने मुल्क में ये करना, उनका यही होता है कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके लगना है। अब लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। छोटी सी एग्जाम्पल ली जाए कि PUCAT की स्टूडेंट शफीका इकबाल, वो गूगल में जाके लगी। अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब इवन कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं लेकिन प्राइवेट लेवल गया है, ठीक है, हमारे साथ आजाद हुआ था लेकिन हमसे आ गया है। दे नो कि मतलब क्या चीज अब इस टाइम कौन सी इंडस्ट्री जो है ना वो वैल्यूएबल है, ठीक है। सो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन देयर IT सेक्टर, ठीक है, themselves, ठीक है। तो उसकी वजह से जो US है, बड़ी कंट्रीज हैं, वो भी इंडिया के सामने कर रही है। PayPal इंडिया में कब से आया हुआ, PayPal पाकिस्तान में यहाँ जाता, पेमेंट गेटवे नहीं है कोई यहाँ पे हमारे पास चला। तो द थिंग इज के हम खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहे पहले, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई दूसरा कैसे करेगा बाहर से आके। और दूसरा इन्वेस्टमेंट के अलावा जो वैसे हमारे पास इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो देख लें, ठीक है, तो इन सब की वजह से वो नहीं आना चाह रहे यहाँ पे फिलहाल। अगर हम देखें ना तो इंडिया में जो आ गई थी ऐप्स, ठीक है, काफी ऐप्स आपने थोड़ी देर पहले देखा, जो ये महंगाई के बाद सारी बंद हो गई हैं। लिफ्ट थी शायद, वो लिफ्ट थी, ठीक है, जो इस तरह उबर की तरह ऐप थी, लिफ्ट चली गई है, ठीक है। इस तरह की दो तीन ऐप्स मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन लिफ्ट इज द मेन वन, ठीक है, वो चली गई है। क्यों? क्योंकि दे ट्राइड बट दे लिफ्ट, ठीक है, इस वजह से इनसिक्योर फील करते हैं इन्वेस्ट करना, दैट्स इट। इसके बड़े अगर हम देखें ना तो बिटकॉइन, बायनांस और इसके अलावा इंडिया ने RBI के तौर पे अपनी करेंसी के तौर पे उन्होंने अपने लीगल कर दिया। हम अगर देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन में कितने लोग काम कर रहे हैं बट क्या है, लीगल नहीं है। बायनांस पे भी काफी लोग काम कर रहे हैं बट क्या है, है कि कू एक ऐसा ऐप है जो ट्विटर का मुकाबला करने जाएगा आने वाले फ्यूचर में, ये कहना है इंडिया को, और उन्होंने ही ऐप लॉन्च किया। आपको पहले तो मुझे ये बताया, आपको लगता है कि कोई ऐसा ऐप बन सकता है जो ट्विटर का को कम्पीट कर पाए? जी बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज नाउ एलन मस्क इज डीलिंग इन ट्विटर and he has almost 2 lakh Indian employees in it. Over 2,000 has left there because of some sort of reasons, and they are at management level. So I thought about that India have planned to